नमस्ते कैसे हैं आप लोग मेरी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब ठीक हैं अच्छे हैं बहरहाल वीडियो शुरू करता हूँ वीडियो में आज हम फिर से एक फ्री कुंडली चार्ट रीडिंग कर रहे हैं काफी कॉम्प्लेक्स कुंडली है थोड़ी सी काफी मतलब परेशानी वाली कुंडली है तो इसलिए इस कुंडली को रीड करते मैंने ब... करने का सोचा है ये मैंने ये मेरी रिपीट कुंडली है पंद्रह जुलाई की रीडिंग मैंने अब शुरू कर दी है तो पंद्रह जुलाई में जिन जिन की कुंडली आ चुकी है उन लोगों की रीडिंग अब मैं धीरे धीरे कर दूंगा जितनी मैं सिलेक्ट कर चुका हूँ उनकी मैं रीडिंग प्रोवाइड कर दूंगा बहरहाल ये प्रदीप जी की कुंडली है इसके बारे में बात करेंगे उससे पहले एक बात कर लेते हैं के जिन लोग जो लोग नए आए हैं उनके लिए एक इनको उनको ये इन्फॉर्मेशन दे दो जी कि मैं फ्री कुंडली चार्ट रीडिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ साइमल्टेनियसली पर्सनल रीडिंग भी प्रोवाइड करता हूँ फ्री कुंडली चार्ट मैं लिमिटेड लोगों की प्रोवाइड करता हूँ जो जो लोग मुझे प्रोवाइड करते हैं चार्ट अपनी उन लोगों को उनमें सिलेक्टेड कुंडलीस की मैं प्रोवाइड करता हूँ अब बात कर लेते जी कि आप अगर अपने फ्री क्विंटली चार्ट रीड करवाना चाहते हैं तो तीस जुलाई से पहले पहले, पहले अपनी कुंडली के डिटेल्स मुझे प्रोवाइड कर दीजिए कुंडली के जो डिटेल्स हैं वो ये हैं डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस नाम और अपने दो सवाल फ्री कुंडली चार्ट में सिर्फ दो सवालों के जवाब दिए जाते हैं तो दो सवालों के जवाब मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा आप अगर आपकी कुंडली सिलेक्ट हो जाती है तो मल्टीपल कुंडली से आते हैं उसमें से मैं लिमिटेड कुंडलियाँ सिलेक्ट करके मैं उनकी रीडिंग प्रोवाइड करता हूँ लेकिन करता हूँ तीन से चार कुंडलियाँ मैं रीड करता हूँ मेरे पास बहुत सारी आती हैं बहरहाल जिनकी कुंडलियाँ रिपीट मैं जिनकी कुंडली पंद्रह जुलाई तक अभी तक रीड नहीं हो पाई और जिन्होंने रिक्वेस्ट डाली थी मेरे को उनको रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट है कि जब तक लास्ट कुंडली रीड करने से बाद आप भी रिपीट लिख के लास्ट लास्ट कुंडली जब मैं रीड कर दूंगा पंद्रह जुलाई के सिलेक्शन पर उसके बाद आप भी रिपीट लिख के अगर आप अपनी कुंडली चार्ट रीडिंग फिर से करवाना चाहते हैं फ्री करवाना चाहते हैं तो रिपीट लिख के थर्टी जुलाई लिख के भेज दीजिए मुझे मैं आपकी भी कुंडली सिलेक्शन प्रोसेस में फिर से डाल दूंगा और सिलेक्ट हो गई तो मैं रीड कर दूंगा ये भी एक रिपीटेड कुंडली है तो इसको भी मैं रीड कर रहा हूँ और रीडिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ इसका क्योंकि इन्होंने पहले डाला था मुझे मैं रीड नहीं कर पाया तो अब मैं रीड कर रहा हूँ इनकी कुंडली बहरहाल ये तो मेरा बात हाँ दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो लोग यूट्यूब पे मुझे कमेंट पे अपने पर्सनल डिटेल डिटेल प्रोवाइड कर रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ अपने पर्सनल डिटेल यूट्यूब पर मत शेयर करिए दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि मैं यूट्यूब के पर्सनल डिटेल आप जितना भी शेयर कर ले कमेंट के मैं रिक्वेस्ट नहीं एक्सेप्ट करता हूँ मैं सिर्फ व्हाट्सएप पर दिए गए डिटेल्स को एक्सेप्ट करता हूँ क्योंकि वन सोर्स है एक ही सोर्स से मैं सारा लेता हूँ मैं इतना ज़्यादा नहीं जा सकता हर जगह से मैं सोर्सेस डिटेल नहीं प्रोवाइड कर सकता आप कमेंट करते हैं उसके लिए थैंक यू आप लोग तारीफ करते हैं उसके लिए थैंक यू आप लोग गाली भी देते हैं उसके लिए भी थैंक यू लाइक्स करते हैं उसके लिए भी थैंक यू बट मैं पर्सनल डिटेल नहीं लूंगा वहां से मैं वन सोर्स है जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देता हूँ नंबर उस डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर आप व्हाट्सअप डिटेल प्रोवाइड करिए मैं सिलेक्ट करूंगा चॉइस करूंगा उसके बाद मैं आपको अगर आपकी कुल लिस्ट सेलेक्ट होती है तो मैं पर्सनल आपकी रीडिंग प्रोवाइड कर देता हूँ दो सवालों के साथ प्रोवाइड करता हूँ पर्सनल रीडिंग करवानी है तो कॉल कर दीजिए व्हाट्सएप कर दीजिए व्हाट्सअप कर देंगे तो बेहतर रहेगा क्योंकि कॉल हमेशा मैं पिक नहीं कर पाता हूँ तो आप वाट्सअप कर दीजिए आपकी पर्सनल रीडिंग मैं प्रोवाइड कर दूंगा अब चार्जेबल रहती है लेकिन उसमें ओवरऑल रीडिंग होती है मैं पर्सनल रीडिंग कर दूंगा लेकिन पॉइंट ऑफ व्यू है कि आपको उसमें ओवरऑल ओवरऑल डिटेल्स प्रोवाइड किया जाता है तो उसमें भी आपको आप आपको अपने पर्सनल डिटेल्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे जैसे डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस नाम सवालों की ज़रूरत नहीं है सवाल आप दे सकते हैं बाकी मैं ओवरऑल चार्ट रीडिंग करता हूँ उसके लिए अब पॉइंट ऑफ रहा है कि अब हम लोग इनकी रीडिंग कर लेते हैं जो प्रदीप जी हैं इनकी चार्ट रीड कर प्रदीप जी का चार्ट है प्रदीप जी के दो सवाल हैं जॉब कब होगी मतलब जॉब और करियर कहाँ बनेगा और अगर बिजनेस करें तो फैमिली बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा और वेल्थ क्रिएशन कब होगा साइमिल्टेनियसली प्रदीप जी की उम्र जो है एज जो है अभी 26 साल है 26 प्लस है जितना मैंने कैलकुलेट किया है इनकी महादशा चल रही है सूर्य की सूर्य की महादशा चल रही है जो दो तक चलेगी ग्यारह फरवरी दो तक चलेगी और उसके अंदर अंतरदशा जो है वो वीनस की चल रही है और इसके साथ में इसके बाद मून की महादशा चलेगी दो तक मून की महादशा चलेगी ग्यारह फरवरी दो के बाद बहरहाल प्रदीप जी पहला पॉइंट तो ये है कि जॉब करें या बिजनेस करें पर ये मेरे हिसाब से तो आप जॉब के लिए सोच रहे होंगे अभी तो जॉब के लिए आप सोच सकते हैं मैं ये एडवाइस दूंगा कि आप अगर देखिए आपका जो मंग, मून है चौथे घर का मालिक होके मून यहाँ बैठा है मंगल की राशि मंगल के साथ कंजंक्शन होके आठवें घर में बैठा है और जो वीनस है वीनस राहु के साथ बैठा हुआ है और दसवें घर का मालिक होके नवम घर में बैठा हुआ है और सातवें सूर्य और मरकरी जो है एक्सचेंज हो चुके हैं वीनस और वीनस और मरकरी का घर एक्सचेंज हो चुका है और सूर्य दसवें घर में बैठा हुआ अष्टमेश होकर पहली बात तो ये है प्रदीप जी जी कि वीनस यहाँ पे अच्छे घर में बैठा है बहुत अच्छा है नवम का मालिक नवम के घर में बैठा हुआ वीनस आ, मतलब नौवें घर में बैठा हुआ कोई भी प्लान बुरा असर नहीं देता लेकिन दिक्कत यहाँ पे है जी वीनस यहाँ पर डिप्लिसटेड है नीच का हो चुका है और यहाँ पे नीच होने के कारण वीनस अपने असर नहीं दे पा रहा है अच्छा असर नहीं कर पा रहा है इसी कारण आपको दिक्कतें हो रही है जॉब करियर आपको पस, समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ बनाए सूर्य आपके दसवें घर में बैठा है तो वो अच्छी बात है और सूर्य की महादशा चल रही है तो वो बहुत अच्छी बात है अगर आपने पहले कोशिश करी होती नौकरी कुछ करने की गवर्नमेंट जॉब की तो कैलकुलर सूर्य और मरकरी की जब अंतरदशा चल रही होती अगर आपने तब कोशिश करी होती तो बहुत अच्छा रहता जॉब के लिए आपके कैलकुलेशन है बैंकिंग सेक्टर में आप अच्छा कर सकते थे या आप कुछ भी फूड फूड रिलेटेड बिजनेस में भी आप बहुत अच्छा कर सकते थे या दूसरे वीडियोग्राफी और दूसरे बिजनेस में भी आप अच्छा कर सकते थे लेकिन अब वीनस की दशा अंतरदशा चल रही है मैं गारंटी से नहीं कहता हालांकि भाग्य में बैठा हुआ प्लैनेट खराब असर नहीं देता लेकिन नीच होके बैठा हुआ है इसलिए मैं गारंटी नहीं देता लेकिन अगर आप कोशिश करना चाहते तो अगले एक साल के लिए मतलब आपको जो टाइमिंग मैंने बोला है अंतर्दशा जो है 11 फरवरी 2024 तक कोशिश कर सकते हैं और वीनस की अंतरदशा में कोशिश कर सकते हैं जॉब लेने की अगर जॉब लेने की कोशिश करें तो गवर्नमेंट लेने की कोशिश करिएगा प्राइवेट में आपको सुकून नहीं मिलने वाला है अगर गवर्नमेंट जॉब कोई मिल जाता है आपको कहीं पर तो आप कोशिश कर सकते हैं अगर आप आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ थी अगर लिक्विड रिलेटेड कहीं पे भी आपका अगर गवर्नमेंट जॉब कहीं पे जो वाटर डिपार्टमेंट या किसी और डिपार्टमेंट है हेल्थ सेक्टर में आप लेते तो अच्छा रहता लेकिन आपने उस टाइम पे कोशिश नहीं करी या आपको आपकी सफलता नहीं मिली बिकॉज ऑफ़ द प्लानटरी कंडीशन क्योंकि आपके पूरी कुंडली कॉम्प्लेक्स है और हमेशा यहाँ पर दिक्कत आ रही है आपकी कुंडली के साथ जो आपकी कुंडली में दिक्कत यहाँ पर है कि आपके साथ सुख और दुख साथ में चलता रहता है और आप कन्फ्यूज रहते हैं उस चीज में और आपके साथ कोई ना कोई परेशानी रहती रहती है इसलिए आपको डिसीजन मेकिंग में आपको थोड़ी सी दिक्कत हो रही है और सबसे ज़्यादा दिक्कत यहाँ पे हो रही है जी कि गवर्नमेंट जॉब के लिए थर्ड लॉ थर्ड हाउस स्ट्रांग होना ज़रूरी है लेकिन यहाँ पे शनि केतु के साथ बैठ गया और केतु यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत दे रहा है और केतु शुक्र के गुरु के भाव में बैठा है और गुरु खुद बारे में घर में बैठ गया है जाके तो हालांकि अपने घर में बैठा है गुरु उतना खराब नहीं है नीच नीचभंग राजयोग बनाता है बारहवें घर में बैठ के तो बारहवें घर में बैठ के गुरु आप बाहर का अच्छा रहेगा लेकिन दिक्कत यहाँ पे है जी कि यहाँ पर केतु जो ये थर्ड हाउस में बैठा है गुरु के घर में बैठा है चलो ठीक है लेकिन शनि के साथ गुरु के घर में बैठ गया कॉम्पिटेटिव हाउस में बैठ गया तो यहां पे केतु थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करा अगर राहू बैठता तो बहुत अच्छा रहता लेकिन उल्टा हो गया तो अब मैं आपको एडवाइस यही दूंगा कि अगर आपको फैमिली बिजनेस में जाना है तो बेहतर रहेगा या कोई भी बिजनेस करते हैं तो बेहतर रहेगा लेकिन अगर वो अगर आप अभी अगर नहीं करना चाहते तो दो तक आप कोशिश कर लीजिए मैं ये बोलूंगा दो तक कोशिश कर लीजिए फेवरी के महीने तक अगर जॉब कोई गवर्नमेंट मिल जाती है तो उसको कंटिन्यू कर लीजिएगा क्योंकि क्या पता भाग्य का साथ मिल जाए आपको राहु बैठ के क्यूविनस को काफी अच्छा सपोर्ट दे रहा है लेकिन ये नेगेटिव भी हो सकता है इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ जो कि कोई गारंटी नहीं है लेकिन पॉजिटिव हो सकता है तो गवर्नमेंट जॉब की ट्रा, ट्रा, ट्रायल करिएगा प्राइवेट में मत सोचिए क्योंकि वो जाते ही खत्म हो जाएगा सूर्य के जाते ही सब कुछ दिक्कत खत्म सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी बहरहाल अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो अच्छा रहेगा बिजनेस में आपका सप्तमेश का जो लॉर्ड है बिजनेस के घर का जो लॉर्ड है वो अष्टमेश होके बैठा है आपकी पर्सनल लाइफ में दिक्कत क्या होगी उसका सवाल आपने पूछा नहीं तो मैं बताने भी नहीं वाला अब दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है क्योंकि मैं दो ही सवालों के जवाब देता हूँ दो सवालों फुल फ्लेज सवालों के जवाब मैं नहीं दूंगा यहाँ पे अब पॉइंट ऑफ ये रहेगा जो कि हाँ बिज़नेस अगर आप करेंगे तो मून और मंगल के साथ बैठा हुआ है मून कंजंक्शन है आठवें घर में बैठा हुआ है तो मंगल यहाँ पे अच्छा काम तो नहीं करने वाला अष्टमेश होके लेकिन ग्यारहवें घर का मालिक है और चौथे घर का मालिक है और पंचम, नवम पंचम एक दो तीन चार पाँच और यहां से कहने तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ नवम पंचम का योग नवम पंचम का योग बना रहा है और शामिल टेने से अगर यहां पे देखे तो एक दो तीन चार और अगर यहां से देखे तो आ, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस दस और चार का योग बना रहा है तो मंगल यहां पे बैठे हुए आपको सडन 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 गेन गेन और लॉसेस लॉसेस प्रोवाइड करेगा सदन गेन पे फोकस करेगा, सदन को कम करने की कोशिश करिएगा मून के मून की महादशा जब चलेगी लिक्विड रिलेटेड कोई बिजनेस करते हैं दूध से रिलेटेड बिजनेस करते हैं या सर्विस सेक्टर में कुछ काम करते हैं बेहतर तो आपका ये रहेगा जी कि आप कोई भी बिजनेस करें बेहतर रहेगा बिजनेस कम कंसल्टेंसी करें सर्विस में जाए किसी सेवा भाव में कहीं काम करें अगर फैमिली बिजनेस में भी थोड़ा सोशल वर्क या सोसाइटी सर्विस के साथ साथ अपना काम करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा फैमिली बिजनेस किस चीज़ का आपने बताया नहीं लेकिन अगर मून चौथे घर का मालिक हो के अष्टमेश तो में बैठा है तो लिक्विड बिजनेस कर सकते हैं ब्लड रिलेटेड बिजनेस कर सकते हैं कि मून के मंगल के साथ बैठा हुआ है लेकिन सर्विस सेक्टर में जैसे मेडिकल इक्विपमेंट बेचने या कुछ करने का काम अगर आप करते हैं तो आप वो कर सकते हैं या कोई भी काम जो मेडिकल से रिलेटेड हो या आर्मी कोई भी काम जो आर्मी का कोई बिजनेस हो जो जैसे आ, क्या बोलते हैं सर्विस से रिलेटेड जैसे होटल हॉस्पिटलिटी कुछ हो गया प्रॉपर्टी में तो वो भी आप काम कर सकते हैं उसमें भी आपको बेनिफिट मिलेगा तो आपके आप थोड़ा सा अपने आप को सर्विस जो सेवा भाव में अगर आप डालेंगे अगर आपका फैमिली बिजनेस कुछ भी ऐसा है जो सर्विस सेक्टर से रिलेटेड नहीं है तो आप अपने काम के साथ साथ जैसे आपकी कोई कपड़े की दुकान है तो वो आप सर्विस तो कुछ प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं तो अगर आप कपड़े की दुकान में चला रहे हैं कुछ कर रहे हैं बिजनेस आप कर सकते हैं चौबीस के बाद आपको बिजनेस ही करना अच्छा रहेगा चौंतीस तक अच्छा रहेगा सडन गेन रहेगा लेकिन सडन लॉस भी रहेगा तो लॉस पे फोकस कम करिएगा और लॉस जितना हो सके कोई क्विक डिसीजन या कोई भी डर के कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा दिमाग अगर खराब हो तो सोचने के मौका दीजिएगा पापा से फैमिली से पूछने की कोशिश करिएगा वो शायद आपकी मदद कर दें बाकी ये है कि मंगल यहाँ पे बैठा हुआ आपको हेल्थ में प्रॉब्लम देगा मून का भी यहाँ पे बैठा हुआ हेल्थ में प्रॉब्लम देगा तो अपने हेल्थ पर भी ध्यान रखते हुए बिजनेस करिएगा तो हेल्थ के साथ साथ और घबराइएगा मत कुछ भी काम हो अगर लॉस हुआ भी तो घबराइएगा मत लॉस हुआ तो प्रॉफिट भी हो जाएगा आपका क्योंकि यहाँ पे बैठा हुआ सडन गेन होगा शादी के बाद आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा लेकिन शादी कब तक क्या होगा ये आपने सवाल नहीं पूछा तो इसके बारे में आपको बोलूँगा भी नहीं तो ये था मेरी रीडिंग आपके बारे में यही दिक्कत होती है जब आप लोग फ्री कुंडली रीडिंग करवाते तो मैं फुल फ्लेश कुंडली की कंक्लूजन नहीं दे पाता हूँ और आप लोगों को फुल फ्लेश चीज़ें नहीं बता पाता हूँ बेहतर ये रहेगा कि आप ही किसी एस्ट्रोलॉजर से या किसी से पर्सनली अच्छे से रीड करवा लें क्योंकि इस कुंडली में मैं सिर्फ आपके दो सवालों के जवाब दे रहा हूँ इसमें बिज़नेस का ही आपको आंसर दे रहा हूँ कि बिजनेस कर लीजिएगा अभी आप जॉब के लिए ट्राई कर सकते हैं लेकिन नहीं मिला तो चौबीस के बाद बिजनेस जरूर करिएगा क्योंकि उसी में फ़ायदा है दस साल के लिए और मंगल की दशा में भी काफ़ी हद तक फायदा रहेगा लेकिन ओवरऑल पर्सनैलिटी अगर डिस्टर्ब रहेगी चीज़ों को लेकर तो सिर्फ अब एक दो सवालों से क्या हो पाएगा ये उन लोगों के लिए होता है जिनको जिनकी जिनकी चीज़ें काफ़ी सॉर्टेड होती हैं तो उनके लिए सही रहता है लेकिन यहाँ पे आपकी चीज़ें काफ़ी अनसॉर्टेड है यहाँ पे देखिए शनि आपका लगने श के तीसरे घर में बैठा है और केतु के साथ बैठा है तो अगर अकेला बैठा होता तो शायद बेहतर होता लेकिन अकेला नहीं बैठा है तो ठीक है मेरा ये रीडिंग रहा जो बिजनेस करिए कोशिश करिए घबराइए मत के ऊपर नीचे हुआ तो घबराइए मत और अभी अगर जॉब के ट्राई करते तो वो वो भी करिए आपके छः आठ महीने हैं कोशिश पूरा करिए अगर मिल जाती है तो बल्ले बल्ले गवर्नमेंट का ही ट्राई करिएगा ठीक है जी थैंक यू